स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के ईवीएस के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है गोइंग टू स्कूल। और इस वीडियो में हम कैमल कार्ड के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है हम लोग का कैमल कार्ड, उसके अंदर हम राजस्थान के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि राजस्थान के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं वो हम देख लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं वी लिव इन द डेजर्ट, हम डेजर्ट पे रहते हैं। डेजर्ट यानी कि जहाँ रेत ही रेत हो, ठीक है। जैसे कि जो राजस्थान है वो एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, और वहां पे हर जगह रेत ही रेत होता है। इट गेट्स हॉट इन द डे, और वो दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं, ठीक है। जो रेत होते हैं वो दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं। We ride in a camel cart to reach school. हम स्कूल पहुंचने के लिए एक कैमल कार्ट का यूज करते हैं। कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी, यानी कि कैमल के पीछे कार्ट लगा होता है जिसमें बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं। तो दिन में जो रेत होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो बच्चे तो उस पर चल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो जो है वो कैमल कार्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो ये है, अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज, क्या आप कभी भी कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरेज में, यानी कि जो हॉर्स कार्ट होता है, जो हॉर्स होता है और उसके पीछे कार्ट जो लगी होती है वो, जिसको हम टोंगा भी बोलते हैं, तो क्या आप उनमें बैठे हो? तो अगर आप बैठे होगे तो आप लिख देना कि हाँ मैं बैठे हूँ, यानी कि यस आई सैट इन द कैमल कार्ट। और अगर आप नहीं बैठे तो आप लिख सकते हो नो आई एम नॉट सैट ऑन द कैमल कार्ट, ठीक है। अब लिखा है वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प, कि क्या आप उस पर खुद से चढ़ रहे, यानी कि कैमल कार्ट पर अगर आप गए हो चाहे हॉर्स कैरेज पे, तो आप उस पर खुद से चढ़ रहे या फिर किसी ने आपकी हेल्प की उस पर चढ़ने के लिए। तो किसी ने हेल्प की तो आप देख सकते हैं कि समवन हेल्प मी टू क्लाइंब अप, और अगर नहीं की तो आप नो भी लिख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन अ कार्ट, जब आप कार्ट में बैठे तो आपको कैसा फील हो रहा था? तो जैसा भी आपको फील हो रहा होगा तो आप आंसर में लिख देना। Also share your experience in the class also. और इस एक्सपीरियंस को आप अपने क्लास में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।